हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 30 सितंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी वीडियो का लिंक भी मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। आज की करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 29 सितंबर को। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये जो दिवस है इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। उसके बाद सितंबर महीने में इसके लिए जब शुरुआत हुई है सन 2000 में, तब इसके लिए सितंबर माह का जो अंतिम रविवार था वो निर्धारित किया गया था कि सितंबर मंथ का जो अंतिम रविवार होगा उस दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। लेकिन बाद में 2014 में ये फैसला किया गया, क्योंकि जो हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये फैसला लिया गया कि 2014 से ये फैसला लिया गया कि इस दिवस के लिए एक दिन निर्धारित किया जाए। तो इसके लिए जो दिन निर्धारित किया गया वो था 29 सितंबर। तब से 29 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दिल की बीमारी के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2019 के लिए इसकी थीम है माई हार्ट योर हार्ट, ठीक है। इसी थीम पर आधारित जो है कार्यक्रमों का आयोजन इस दिवस पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सितंबर 2019 में 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि युगांडा में। अभी हाल ही में 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया है। 22 सितंबर से ये सम्मेलन शुरू हुआ था और इसका आयोजन 29 सितंबर तक किया गया था। ध्यान रखिएगा कि युगांडा की राजधानी है कंपाला। मुद्रा है यहाँ की सिलिंग, युगांडाई सिलिंग। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है और इसमें जो कुल सदस्य हैं वो हैं 53, ठीक है। लंदन पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में। अब यहाँ पर से बात होती है कि जो ये राष्ट्रमंडल है, यानी कि जो ये कॉमनवेल्थ है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत वो सभी देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन सरकार के अधीन रहे। आप सभी को पता होगा कि यूके जो रहा है उसका मतलब पूरी दुनिया में जो है बहुत से देशों पर उसने कब्जा किया और बहुत से देशों को अपने गुलाम बनाया, ठीक है। तो जिन जिन देशों पर उसने जो है कह सकते हैं राज किया है, उन सभी देशों को जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया गया है। सो इसी के लिए इसका मुख्यालय भी यहीं पर रखा गया लंदन में। भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 अक्टूबर से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की जाएगी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो ये वित्त वर्ष है इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, बजट रखा था, ठीक है। कौन सी योजना के लिए? कन्या सुमंगला योजना के लिए, जो ये वित्त वर्ष चल रहा है इसके लिए जो है 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बजट में। ये जो योजना है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके जन्म के प्रति जो है समाज में जो है सकारात्मक सोच विकसित की जाएगी। क्योंकि खास करके अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड के कुछ जिलों में देख लें या फिर हम हरियाणा में देख लें, हमारे देश में लगभग हर राज्य की स्थिति है कि महिलाओं या फिर लड़कियों के जन्म के प्रति जो है नकारात्मक सोच है कि उनको गर्भ में ही मार दो या कुछ इस तरीके की सोच, ठीक है। तो उसी को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल को यहाँ पर शुरू किया है। ये जो योजना है इसमें जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो उस वक्त से लेकर उसके इंटर तक पहुँचने तक जो है 6 बार में, मतलब जो है उसको टोटल 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। जन्म से लेकर इंटर तक जो है 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। सब मतलब अलग अलग स्टेज इन लोगों ने बना रखेंगे, जन्म के वक्त जो है 2,000, उसके बाद इतना, फिर इतना, इतना, इस टाइप का जो है पूरा सिस्टम इसमें चलेगा, ठीक है। तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, 11 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। 11 अक्टूबर को मैं कोशिश करूँगा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से लूँ और इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि सितंबर 2019 में सिंगापुर इंडिया हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया। सो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर एम हो गया, ये आईआईटी है यहाँ पर, ठीक है। आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन किया गया, सिंगापुर इंडिया हैकथॉन का आयोजन।
ठीक है। याद रखिएगा कि इसका आयोजन 28 और 29 सितंबर को किया गया था और इस वर्ष इस हैकथॉन को बेसिकली तीन थीम पर जो है ये पूरा का पूरा बेस्ड है, जिसमें कि एक तो है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो इन थीम पर जो है ये आधारित है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इन तीन अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है इस हैकथॉन का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, IIT मद्रास में, ठीक है, 28 और 29 सितंबर को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की कि सितंबर 2019 में CBDT ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2019 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। सो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 31 दिसंबर 2019। अभी हाल ही में CBDT की तरफ से फैसला किया गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी 30 सितंबर 2019, उसको लगभग 3 महीने बढ़ा दिया गया है और अब 31 दिसंबर 2019 तक आप अपना जो पैन कार्ड है उसे आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आयकर भरने के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और ये 7वीं बार है जब आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई गई है। CBDT की अगर हम बात करें तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। CBDT के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि जो डायरेक्ट टैक्स पड़ता है उसके लिए जो भी नियम कायदे आते हैं वो सब जो है इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 2019 तक के लिए जो है डेट बढ़ाई गई है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि सितंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका की पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को किस देश की क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अफगानिस्तान। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य कोच के रूप में फिल सिम्पसन का स्थान ग्रहण करेंगे। फिल सिम्पसन का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है तो इन्हीं के स्थान पे लांस क्लूजनर को, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर हैं और इनको बनाया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अशरफ गनी अहमद जई, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए अफगानिस्तान के बारे में भी, ये 3 के 3 पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में DRDO और डैश यूनिवर्सिटी ने बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान के लिए डॉक्टर कलाम के नाम पर एक केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है। अभी DRDO और किस यूनिवर्सिटी के बीच में ये समझौता हुआ है कि डॉक्टर कलाम के नाम पर एक केंद्र स्थापित किया जाएगा बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और DRDO में अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर ही, यानी कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही एक अनुसंधान जो है केंद्र की स्थापना की जाएगी और ये जो केंद्र है इसका नाम रखा जाएगा कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये रिसर्च सेंटर होगा जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा विश्वविद्यालय के अंदर ही, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेंटर होगा उसकी स्थापना कौन सी यूनिवर्सिटी में की जाएगी। अगर हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही में डैश सरकार ने मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना की शुरुआत की है। सो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो योजना है ये किराएदारों के लिए है और ये जो योजना है इसके तहत जो भी दिल्ली में जो भी किराएदार रहते हैं, रेंट पर रहते हैं जो लोग, उन लोग को ये आज़ादी मिलेगी कि वो अपना जो मीटर है बिजली का मीटर वो खुद लगवा सकते हैं। इससे होगा कि किस गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है बिजली की, उस सब्सिडी का लाभ किराएदारों को भी मिलने लगेगा। अभी तक इस तरीके की योजना सिर्फ यहाँ के जो जिन लोगों का अपना घर था उन्हीं को मिलती थी, लेकिन अभी किराएदारों को भी मिलने लगेगी। अगर कोई किराएदार अपना जो सरकारी जो मीटर है वो लगवा लेता है खुद का, तो उसको अगर 200 यूनिट तक अगर उसकी बिजली का बिल आता है तो उसको एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 200 यूनिट तक बिजली का जो बिल होगा वो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से हर महीने माफ़ किया जाएगा, ठीक है। सो मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में
कैट स्नेक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में कैट स्नेक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ये प्रजाति मिली है। इस प्रजाति को तेजस ठाकरे के नाम पर रखा गया है। इसका नाम रखा गया है ठाकरेस कैट स्नेक। ठीक है, तेजस ठाकरे कौन थे मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बता रहा हूँ। आप सब लोग जानते होंगे शिवसेना के बारे में, तो इसके प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे, उन्हीं के छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे। और इस सांप को खोजने में जो है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले इन्होंने इस सांप को देखा था, उसके बाद इसके बारे में काफ़ी रिसर्च वगैरह उन्होंने की, जिसकी वजह से इस सांप का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठाकरेस कैट स्नेक। ठीक है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ये सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है। ठीक है, कैट स्नेक की एक नई प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती गई है। सो अभी हाल ही में भारत ने पहली बार अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर ये खिताब हासिल किया है। ध्यान रखिएगा कि सैफ जो अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप थी, उसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। ठीक है, तो इसी को जीत लिया है भारत ने, पहली बार जीता है भारत ने अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि बड़ा दशैं किस देश का प्रमुख त्यौहार है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि नेपाल। बड़ा दशैं नेपाल का प्रमुख त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है इसको दशहरे का ही एक ये नाम है, जिसकी शुरुआत होती है नवरात्रि से। ठीक है, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उसी दिन से इस त्यौहार की शुरुआत होती है। नेपाल में इसको काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इस दिन मक्का और जौ के बीज बोए जाते हैं। जब ये बीज पौधे बनते हैं और जो अंकुरित हो जाते हैं तो इसको जमारा कहा जाता है। और जो जमारा है इसको बड़ा ही पवित्र माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो बड़ा दशैं जो त्यौहार है वो नेपाल का प्रमुख त्यौहार है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 29 सितंबर से। ठीक है, नवरात्रि के दिन से। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि सितंबर 2019 में वीज़ा ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि पीवी सिंधु को अभी हाल ही में वीज़ा ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी के लेखक कौन है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन रही है पहले उसके बारे में लिखा है, और साथ में आने वाले टाइम में कैसे इसको और अच्छा किया जाए उसके बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। चलिए आप बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि सितंबर 2019 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद संभालने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है अभी हाल ही में। ठीक है, भारतीय सेना में कौन महिला बनी है लेफ्टिनेंट कर्नल, और वो इस पद पे पहुंचने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी, नाम बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य ने यूनिसेफ के साथ मिलकर टिक्की मौसी नामक शुभंकर का अनावरण किया है। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए, और साथ में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को डिसलाइक करिए, और मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो को क्यों डिसलाइक किया, आपको क्यों नहीं पसंद आई। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।